नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अविनाश। निपाह वायरस दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक वायरस में से एक है। कोरोना से भी खतरनाक है क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। कोरोना वायरस के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर निपाह वायरस का मामला सामने आया है। निपाह वायरस इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसकी ना तो अब तक कोई दवाई बनी है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। कोरोना की तीसरी लहर से ठीक पहले मिले इस वायरस ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। वैसे कोरोना वायरस को लेकर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है, लेकिन निपाह को लेकर ये पुख्ता तौर पर कहा जाता है कि निपाह वायरस चमगादड़ से ही मिला है। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर की गुफाओं में निपाह वायरस का पता चला है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के जंगलों में एक गुफा के अंदर रहने वाले चमगादड़ों में निपाह वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इस खबर के सामने आते ही स्थानीय लोग एक और वायरस के भय से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि मार्च 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने महाबलेश्वर की एक गुफा से चमगादड़ों के गले से स्वैब के नमूने लिए थे। इस सैंपल की जांच में पता चला है कि चमगादड़ों के स्वैब में निपाह वायरस है। इससे पहले महाराष्ट्र में किसी भी चमगादड़ में निपाह की पुष्टि नहीं हुई थी। निपाह वायरस से होने वाला इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर फल चूसने वाले चमगादड़ से। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार निपाह वायरस टेरोपस जीनस नाम के खास नस्ल के चमगादड़ से फैलता है। निपाह वायरस से होने वाले जोखिम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वायरस से मौत की संभावना 65% से भी अधिक होती है। निपाह वायरस संपर्क से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना शेयर करने से भी ये वायरस फैल जाता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, थकान और दर्द महसूस होता है। इसके अलावा दिमागी बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादा बुखार आने पर दिमाग सूज जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो ये रही निपाह वायरस से जुड़ी ताज़ा जानकारी। अगर आप निपाह वायरस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या 10 बड़े लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। हम जल्द ही इस वीडियो के अगले भाग में आपको निपाह वायरस के लक्षणों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं आपके साथ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।